गाइस आप ये व्यू देख रहे हो कितना प्यारा है ना, लाइक इमेजिन अगर ये घर आपका होता, सुबह उठ के आप मॉर्निंग में जब यहाँ पे खड़े होंगे, पूरे शहर का जब आप नज़ारा लेंगे कितना सुंदर ये लगेगा। एंड अगर नाइट में ये चीज़ देखोगे ना, पूरा शहर लाइटिंग से भरा होता है, तब यहाँ से कैसा व्यू आने वाला है, लाइक मैं तो सोच सोच के खुश हो रही हूँ। तो आज मैं आपको एक स्काई बंगलो दिखाने वाली हूँ 3160 स्क्वायर फीट के अंदर, लाइक बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर ये स्काई बंगलो बना हुआ है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम करते हैं वीडियो को शुरू, आइए। आज हम आए हैं जरकपुर में, जहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट का रिव्यू करवाने वाली हूँ। गाइज ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है हाईलैंड पार्क, जो कि तीन फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका लो राइज, जिसमें 3 BHK इन्वेंट्रीज आ जाती हैं, S+3 के कंसेप्ट के साथ बना हुआ है। सेकेंड है आपका हाई राइज, जिसमें आपका S+10 एंड S+12 कंसेप्ट के साथ आ जाता है। इसमें आपके पास 3 BHK रहेंगे इन 2 कैटेगरीज, एंड इसमें ही आपके पास एक स्काई बंगलोज भी अवेलेबल रहेंगे, जो आज मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ। एंड इसके अलावा थर्ड फेज आ जाता है, जो कि है आपका हाईलैंड ग्रीन्स, जो कि कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, वहाँ पे कोई भी इन्वेंट्रीज अवेलेबल नहीं है। गाइज ये कम्प्लीट 22 एकड़ की टाउनशिप है, गेटेड टाउनशिप है पूरी, जिसमें आपके पास 2 गेट आ जाते हैं, एंट्री एंड एग्जिट गेट, जहाँ पे आपको 4-tier सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाता है। एंड इसके अलावा पूरे ही टावर्स में आपको सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल रहेंगे, एंड पूरे ही टाउनशिप के अंदर सिक्योरिटी कैमराज अवेलेबल हैं। एंड प्रोजेक्ट के अंदर आप ये रोड भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइड रोड आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। इस साइड भी आप रोड देख सकते हैं, लाइफ कितना ज़्यादा अच्छा इन्होंने सारा सिस्टम बना रखा है, जहाँ पे आपकी जो पार्किंग है वो बाहर भी स्पेस अवेलेबल है एंड अंदर भी आपके पास स्पेस आ जाएगा। एंड अब हम बात करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट पटियाला चंडीगढ़ हाईवे के साथ कनेक्टेड है, एंड जो रोड इसको हाईवे के साथ कनेक्ट करता है उसका नाम है हाई ग्राउंड रोड। एंड उसके अलावा प्रोजेक्ट के साथ से ही एक 80 फीट वाइड लिंक रोड भी आ रहा है, जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव भी हो चुका है, जहाँ से प्रोजेक्ट जो को जो है वो डायरेक्ट एयरपोर्ट रोड के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो लाइक यहाँ से आपको कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि ये लग्जरियस प्रोजेक्ट है तो अमेनिटीज़ तो होनी बनती ही है। तो प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारी अमेनिटीज़ भी मिल रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लब हाउस की। तो 28,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपको क्लब हाउस मिल रहा है, जिसके अंदर जिम, स्विमिंग पूल, पार्टी हॉल, स्टडी एरिया, सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी भी। एंड उसके अलावा प्रोजेक्ट के अंदर एक सेंट्रल पार्क दिया गया है, एक किड्स प्ले एरिया दिया गया है, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट एंड क्रिकेट पिच, लाइक सारी गेम्स के लिए भी आपके पास अलग अलग स्पेसेस दिए गए हैं। एंड उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि आपको यहाँ पे शटल बस सर्विस दी जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है। लाइक अगर आपको कैब का यूज़ नहीं करना है एंड आपको कहीं जाना है, तो आप उस बस का यूज़ कर सकते हो, जिसकी अपनी स्पेसिफिक टाइमिंग्स रहेंगी। तो गाइज ये है मेन डोर हमारे स्काई बंगलो का, जहाँ से हम अपने बंगलो में एंटर करेंगे। बट मैं पहले आपको बाहर का बता देती हूँ। यहाँ पे अपार्टमेंट में या बंगलो में एंटर करने के लिए आप स्टेयरकेस का यूज़ भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे 2 लिफ्ट भी प्रोवाइडेड हैं। ये आपका लॉबी एरिया आ जाएगा, एंड एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट्स रहेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर।
तो ये है हमारा स्काई बंगलो जो कि आपको सेमी फर्निश्ड मिलने वाला है, लाइक फुली लोडेड ही आपका पूरा फ्लैट रहेगा। तो यहाँ से आप एंट्री जैसे भी करेंगे ये आपका फॉयर एरिया आ जाएगा, लाइक जहाँ पे आप अपना शू रैक वगैरह रख सकते हैं, प्लांट्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, या छोटा सा यहाँ पे सिटिंग का स्पेस बना सकते हैं। वॉल्स पे आप यहाँ पे पेंटिंग्स ऐड कर सकते हैं अपना, इस वॉल को आप अपना फैमिली गैलरी भी बना सकते हैं जहाँ पे अपनी फैमिली पिक्चर्स आप लगा सकते हैं, लाइक एंट्री को थोड़ा सा सुंदर आप बना सकते हैं। एंड यहाँ से अंदर एंटर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैल्कनी भी आ जाएगी अटैच, लाइक काफ़ी अच्छी बैल्कनी है ये भी आपकी, जहाँ से लाइट एंड वेंटिलेशन प्रॉपर आ रहा है। लाइक लाइटिंग तो आप देख ही सकते हो क्योंकि पूरे ही फ्लोर में लाइट नहीं जली है, तो क्योंकि हमने लाइट बंद रखी है आपको नेचुरल लाइट जो है वो फील करवानी है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रोशनी घर में आ रहा है, लाइटिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे। तो ये आपका पूरा ड्राइंग पार्ट आ जाएगा जहाँ पे आप अपना सिटिंग स्पेस बना सकते हैं, अपना एलईडी लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा डाइनिंग एरिया किचन के बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे, यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं फिटिंग्स जितनी भी हैं ये आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिलने वाली हैं, लाइक ये सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ यहाँ पे ही रहेंगी। एंड इसके बिल्कुल यहाँ पे एडजॉइंट आ जाएगा किचन जो कि आपका फुली मॉड्यूलर किचन रहेगा, सारे कैबिनेट्स आपके अपर कैबिनेट्स आ जाएंगे, लोअर कैबिनेट्स आ जाएंगे सॉफ्ट क्लोजर के साथ, ग्रेनाइट का आपका ये कुकिंग काउंटर रहेगा, चिमनी आपकी एज इट इज रहेगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइक बहुत सारी स्पेस है स्टोरेज के लिए किचन में। एंड कमिंग टू दिस साइड यहाँ पे ड्रिल सिंक आ जाएगा विद मूविंग फॉसेट, एंड यहाँ पे भी स्पेस है ऊपर लाइक आपके यूटेंसिल्स वगैरह स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी यूटिलिटी एरिया जो कि आप वॉशिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टैप प्रोवाइडेड है। सो ये हमारा आउटर स्पेस था ड्राइंग डाइनिंग एंड किचन। अब हम चलते हैं रूम्स की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस रूम यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। एंड रूम्स के अंदर कबर्ड्स वॉशरूम जो है वो फुली फिटिंग्स के साथ आ जाएंगे, लाइक यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपके कबर्ड्स आ जाएंगे, दो कबर्ड प्रोवाइडेड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आ जाएगा वॉशरूम, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइडेड है। एंड सारा जो फिटिंग्स रहेंगी वो सारी आपकी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी, लाइक काफ़ी अच्छे से पूरा वॉशरूम बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे एलईडी पैनल भी आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लाइक आपको अपना एलईडी लाके सिर्फ लगाना है यहाँ पे, ये भी आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। एंड इस रूम के साथ भी आपकी बालकनी पूरी अटैच है यहाँ पे, लाइक लाइट से आप आइडिया लगा सकते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। एंड यहाँ आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम। सो अगेन ये भी आपका स्पेशियस रूम है, यहाँ पे भी आपका एलईडी पैनल जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एज इट इज आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड इस साइड आ जाएंगे कवर्ड्स विद गुड स्पेस, ऊपर सारा फॉल सीलिंग एज इट इज मिलने वाला है आपको सारी चीजें। एंड यहाँ पे आपकी अटैच बैल्कनी आ जाएगी जो कि आपकी थर्ड रूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, तो मैं आपको थर्ड रूम से वो दिखाती हूँ। एंड यहाँ पे आपका जो है कॉमन वॉशरूम आ जाएगा जिसको आपके गेस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके ड्राइंग डाइनिंग एंड किचन के साथ अटैच रहेगा, एंड आपके थर्ड रूम के साथ भी अटैच रहेगा। सो ये आ जाएगा हमारा थर्ड बेडरूम यहाँ पे। अगेन इसमें भी फॉल सीलिंग, लाइक पूरे ही घर में आपको फॉल सीलिंग एज इट इज़ मिलने वाला है विद एलईडी लाइट्स। एंड यहाँ पे भी आपका एलईडी पैनल एज इट इज़ रहने वाला है। एंड हियर कम्स योर कबर्ड्स अगेन विद वेरी वेरी गुड स्पेस। एंड यहाँ पे आ जाएगी आपकी बालकनी, आइए चलते बालकनी में। सो ये है हमारी बालकनी जो कि हमारे सेकंड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड थी, रनिंग बालकनी आ जाएगी पूरी। एंड गाइस पहले आप यहाँ से व्यू देख लें एक बार, कितना सुंदर व्यू आ रहा है सारा यहाँ से, आप पूरा शहर देख सकते हैं यहाँ से, लाइक इतना सुंदर नज़ारा है। लाइक ये तो कुछ भी नहीं है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वहाँ से जो नज़ारा आपको मिलने वाला है, वाह। एंड ये आपकी काफ़ी स्पेशियस बालकनी है, लाइक धूप वगैरह आएगी आप यहाँ पे अपना सिटिंग स्पेसेस को बना सकते हैं। एंड रेलिंग की हाइट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी दी गई है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रेलिंग है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ आ जाती है ये। सो ये था हमारा थर्ड बेडरूम। नाउ वी आर ऑल डन विद आर अपार्टमेंट।
तो अब मैं आपको लेके चलूंगी इस घर के सबसे बेस्ट प्लेस में। कुछ लोग ना गाइज मेरी तरह होते हैं जो गांव से होते हैं और उनको बहुत खुला खुला स्पेस पसंद है। मुझे फ्लैट्स में रहना इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मुझे फ्लैट्स बंद बंद लगते हैं, खुला स्पेस नहीं होता उसमें। अगर आप भी मेरी तरह है ना तो ये फ्लैट आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा खुला स्पेस मिल रहा है आपके फ्लैट के साइड में। यहाँ आप देखें। सो गाइज आप पहले स्पेस देखें कितना ज्यादा स्पेस है। ये सारा आपका हो जाएगा अगर आप ये बंगलो बाय करते हैं। आपके घर के साथ में इतना ज्यादा स्पेस आपको मिल रहा है। अभी तो ये पूरा खाली है बट जब आप इसको परचेज करेंगे यहाँ पे ये काफी इसको सुंदर सा बना के आपको देंगे, प्लांट्स वगैरह सारे लगा के देंगे आपको। पहले गाइज यहाँ से व्यू देखें आप, कितना सुंदर व्यू आपको मिलने वाला है। पूरा शहर आप यहाँ से देख सकते हैं। इधर आ जाइए। यहाँ पे खड़े होके ना आप पूरा शहर देख सकते हैं। एक बार आप नजर दें, इमेजिन रात में ये कितना सुंदर लगने वाला है जब पूरी लाइटिंग पूरे शहर में जलेगी ना, कितना ज्यादा सुंदर लगने वाला है। ये नज़ारा आपको रोज देखने को मिलेगा, सुबह भी एंड शाम भी। एंड इस जगह की तो मैं क्या ही बात करूँ, यहाँ पे तो आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो, बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। प्लांट्स लगा सकते हो, शेड्स बना सकते हो, सिटिंग स्पेस बना सकते हो, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ क्लब हाउस के अंदर जो कि आपका फुली ऑपरेशनल है। तो यहाँ है आपका आउटर एलिवेशन क्लब हाउस का। ये आपका कंप्लीट 28,000 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है। आइए चलते हैं अंदर। तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं क्लब हाउस के अंदर। तो ये आ जाएगा हमारा क्लब हाउस का ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे लॉबी एरिया आ जाएगा। पहले आप देखेंगे यहाँ पे सिटिंग के लिए काफी अच्छा स्पेस बनाया गया है। एंड यहाँ पे आ जाएगा डेस्क जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल रहेगा। अभी तो यहाँ पे कोई पार्टी है तो अरेंजमेंट्स चल रही हैं, तो यहाँ पे सामान रखा हुआ है। एंड ग्राउंड फ्लोर पे कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा पार्टी हॉल। लुक हाउ वाइड इट इज, कितना ज्यादा बड़ा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई भी पार्टी वगैरह, कोई भी गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वॉशरूम्स एंड किचन भी अवेलेबल है गाइस। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा स्टडी एरिया। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, आप स्टडी करना चाहते हैं, रीडिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो ये स्पेस उसके लिए बनाया गया है। ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी। अगर आपके बच्चों को स्टडी करना है, घर पे नहीं पढ़ सकते, वो बाहर जाके अच्छा लगता है पढ़ना, तो वो यहाँ पे अच्छा स्पेस बनाया गया है उनकी स्टडी के लिए। एंड अब हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एंड बाकी चीज़ें चेकआउट करेंगे। फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए आप स्टेयरकेस का भी यूज़ कर सकते हैं एंड लिफ्ट भी यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगी। आइए चलते हैं ऊपर। सो फर्स्ट फ्लोर में आपके पास जिम एंड इंडोर गेम्स का स्पेस अवेलेबल है। पहले हम जिम चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पे फुली इक्विप्ड जिम आपके लिए रखा गया है, आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है एंड सारी जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो सारे अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे, जिसका यूज़ आप कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपके पास स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकते हैं एंड मज़े ले सकते हैं एंड अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा इंडोर गेम्स का स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए गेम्स भी अवेलेबल रहेंगी। तो गाइज नाउ वी आर ऑल डन विद आवर टुडेज प्रोजेक्ट रिव्यू। सारा प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, सारी डिटेल्स भी आपको दे चुकी हूँ। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे रिव्यूज़ की बात करेंगे गाइज, ये प्रोजेक्ट आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि ये प्रोजेक्ट टोटली रेडी टू मूव इन है। बहुत सारी फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इनका एक फेज़ जो है वो ऑलरेडी कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। तो अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही सुटेबल
एनवायरमेंट में कहीं पे फ्लैट सर्च कर रहे हैं या फिर आप कुछ डिफरेंट कंसेप्ट के साथ फ्लैट सर्च कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आज आपको स्काई एक बंगलो दिखाया है जिसमें आपका जितना फ्लैट है उतना ही आपको टेरेस भी मिल रहा है, तो लाइक ये चीज़ आपके लिए है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप इसको विजिट करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये बंगलो मिल रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।